मिल रही है, जहां पर 6 कोविड मरीजों में नया स्ट्रेन मिला है। एक हफ्ते पहले मरीजों के नमूने भेजे गए थे। मेरठ में नए स्ट्रेन के अब कुल 15 मरीज हो चुके हैं। सभी ब्रिटेन से लौटे परिवार से संक्रमित बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस तरह से यहां पर ये सैंपल भेजे गए थे, अब इनमें पुष्टि हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। नरेंद्र, सैंपल भेजे गए थे, रिपोर्ट आई और उसमें नया स्ट्रेन भी पाया गया है। बिल्कुल, ये जो ब्रिटेन से आया हुआ परिवार था, इनके एक रिलेटिव मेरठ के ही यहाँ पर पल्लवपुरम में एक जगह है वहां पर रहते हैं, और उसी इलाके में जो मोहल्ले में बहुत सारे सैंपल लिए गए थे, उनमें से 12 से लेकर 13 सैंपल जो है कोरोना पॉजिटिव लोगों के थे। उन्हीं में से 10 सैंपल जांच के लिए एक हफ्ते पहले भेजे गए थे, जिनमें से 6 में नए स्ट्रेन की पुष्टि हुई है। इस तरीके से मेरठ में अब तक नए स्ट्रेन के मरीजों की संख्या 15 हो चुकी है। ये गनीमत की बात है कि आज यहाँ पर कोरोना वैक्सीन भी डिलीवर हुई है, और 16 जनवरी से तो वैक्सीनेशन का काम है वो भी शुरू होगा। लेकिन दूसरी तरफ खतरा बड़ा है और लगातार नए स्ट्रेन के जो मरीज हैं वो मिलते जा रहे हैं। शैलेंद्र, बिल्कुल, नई तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया।